गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आ जाओ भैया, सब लोग सामने आ जाओ। यू रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो गुड मॉर्निंग बोलने का स्टाइल कैसा होता था? कैसे बोलते थे बोलो। सुनील सिंह मैम। गुड मॉर्निंग टीचर। लगाना जरा राग, लगाना सब लोग, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। तो वी आर नॉट इन सीए फाइनल, हम तो भी वही छोटे मासूम बच्चे हैं, ठीक है। मैंने पता नहीं, आई डोंट नो किसका कल फीडबैक पड़ा, उसने यही लिखा है मैम, ट्रीट्स लाइक अ किड। तो चलो सब एटलीस्ट समझ तो आए कि आई एम नॉट ट्रीटिंग लाइक अ सीए फाइनल स्टूडेंट। प्रोफेशनल के स्टूडेंट तो तुम हो ही। चलो लेट अस स्टार्ट। रीडिंग तो कर ही ली होगी, मुझे इतना तो लगता है कि एक दिन में इतनी रीडिंग तो हो सकती थी तुमसे। हैव यू डन विद द रीडिंग पार्ट? सच बोल दो, बिकॉज रीडिंग का देयर इज नो मॉनिटरिंग, तो हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। डन। अक्षय, लक्ष्मी, कीप द वीडियो ऑन। क्या हुआ, साइलेंट पे क्यों? हर खामोशी का मतलब हानि होता है। तुम्हारी खामोशी का मतलब है नहीं किया। वन टाइम रीडिंग थी मैम। वन टाइम रीडिंग, और बाकी हाफ टाइम किसने की? 30%, 60%? रीडिंग डन। धीरे धीरे बोलेंगे, एक आध कोई बोल ले फिर बोलते कि हमने भी कर ली। पता चला सब नहीं करेंगे तो सब ग्रुप में डांट खा लेंगे। चलो आ जाओ। की नहीं की, अभी रोज क्या ही डांटू मैं तुमको। So let us come to the section number 41, subsection 3. कल ही किया था, yesterday only we have done section number 41, subsection 3. What was there in section number 41, subsection 3 specifically? कि अगर कोई scientific, if you have got a scientific research वाला asset, if you have scientific research वाला asset and that scientific research वाला asset you sell, either by using it in the business or you are not using it for the purpose of business. तो चाहे तुम उसको बिजनेस में यूज करो या फिर उसको क्या करो, बिजनेस में यूज नहीं करो, व्हाटएवर द केस मे बी, इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना होता है? इनकम्स एंड गेन कैलकुलेट करनी पड़ती है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इनकम एंड गेन। तो सबसे पहले मैम, व्हेन वी कम टू साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट, व्हेन वी कम टू साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट, आइदर आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर द पर्पस बिजनेस और आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अभी सबसे पहले मेरे को फिर से फोकस करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 35 पे। आई शुड गो अगेन टू सेक्शन नंबर 35। मैम क्यों सेक्शन नंबर 35 पे? बिकॉज सेक्शन नंबर 35 कहता है लैंड पे आपको 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट मींस मैम ये क्लियरली बोल रहा है कि ओनली साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड असेट, तो साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड असेट में लैंड को एक्सेप्शन दिया है। दैट मींस इट इज नॉट साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट। तो पहले तो आई एम जस्ट रीडिंग द सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 एंड माय सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट सेल्स। ये किसके बारे में बोलता है? सेल्स के बारे में बोलता है। ये बोलता है अगर साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट है तो माय फर्स्ट पॉइंटर इज व्हाट इज नॉट माय साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट। कौन सी मेरी साइंटिफिक रिसर्च असेट नहीं है? तो आई विल से लैंड इज नॉट माय साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट। तो सबसे पहले अगेन गो टू 41 सबसेक्शन 3 एंड राइट डाउन ओवर देयर। लिखो वहां पे लैंड इज नॉट साइंटिफिक रिसर्च असेट।
148 या 149 पे यू विल फाइंड ये 41 सबसेक्शन 3, वहां पे जाके लिखो. Done. Then come to page number 123. एक बार पेज नंबर 123 पे आओ और रीड दैट पॉइंटर नंबर 3. यहाँ पे एक नोट लिखा है पेज नंबर 123 पे, थर्ड नंबर का नोट, और वो थर्ड नंबर के नोट बोलता है, आर यू ऑन द पेज नंबर 123? मैम सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर दैट सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च. Can you see the note number 3? If land and building purchased through a composite agreement, then the cost of land and building shall be bifurcated on the basis of fair market value, because cost of land and building is not allowed as deduction. Because cost of land is not allowed as deduction. So, ma'am, what is suppose humne composite purchase kiya? Suppose we have done a composite purchase. Because we have done a composite purchase, that means land is also there and building is also there. And suppose, ma'am, we have land, we have building, and bifurcation is possible or bifurcation is not possible. Are you understanding what I'm trying to say? Because composite mein you have purchased land and composite mein you have purchased building. So clearly bolta hai land and building ka cost bifurcation is needed. Suppose, ma'am, we are unable to do the bifurcation. जब तुम bifurcation नहीं कर सकते, because you cannot do the bifurcation, तो land तो वैसे भी was not allowed under 35. This building का भी you will not get the deduction. So that means, ma'am, when we have done the composite purchase, फिर से scientific research में one exception was purely land. Second exception is when under composite agreement land and building is purchased. And bifurcation is not possible. This is also not my scientific research wali asset, because one deduction we have not got. Deduction mila hi nahi tha. Are you getting it? Two pointers we have created on the basis of only this word. Sale karna hai scientific research asset, but let me understand what is not my scientific asset. Usko bhi to samajhna padega. So write down second pointer. Land and building purchased. Land and building purchased under composite agreement. See, I am trying to go into much detail possible. Zaruri nahi aise se itte detail mein puchega, but tumhe analysis aa jana chahiye. Theek hai? Land and building purchased under composite agreement and bifurcation. And bifurcation of cost not possible. And bifurcation of cost not possible. So you would have not got that scientific research wala kuch bhi nahi mila hoga tumko. Are you getting that? So abhi apna kaun sa analysis we have completed? First, what is not a scientific research wala asset? That means iske alawa mein whatever asset we are having. Whatever asset we are having, वो सारी scientific research asset है. ठीक है, चलो अब पहली चीज, we have done this. अब मैम एक और चीज सुनो, क्या without use in the business, we should utilize it for the purpose of the business. पहली चीज समझो, this section number 41 subsection 3 is basically only for sales. ये सेल्स के लिए है. व्हेन यू आर सेलिंग द असेट ओनली इट विल अप्लाई इन दैट केस. तो बोलते हैं सपोज मैम मेरे पास क्या है, आई हैव द साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट, ये मेरी असेट हो गई. नाउ आई वांट टू सेल दिस असेट एंड डू नॉट वांट टू यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. यहाँ पे लिखा है कि आई डो नॉट वॉन्ट टू यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. अब मैम ये बिजनेस पे थोड़ा सा वी हैव टू पे मच अटेंशन. मैम बिजनेस कौन सा, is it scientific research wala business only or it is any other business?
क्योंकि अगेन इफ आई गो टू पेज नंबर इज वाज इट 148 यस 149 यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट बट लिखा है सेल विदाउट यूज इन बिजनेस नाउ विच बिजनेस इज इट साइंटिफिक बिजनेस और इट इज एनी अदर बिजनेस अब फोकस तो इस पे भी करना पड़ेगा ना कि इज इट टॉकिंग अबाउट कि यू विल यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक बिजनेस और एनी अदर बिजनेस अब उस पे फोकस करते हैं तो सपोज मैम यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि असेट कौन सी होनी चाहिए असेट के लिए तो साइंटिफिक हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड अब मैम सपोज करो क्या सपोज करना है अगेन यू हैव दिस असेट ये रहा मेरा असेट मैम सपोज दिस असेट यू हैव यूटिलाइज्ड दिस असेट यू हैव यूटिलाइज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च द असेट यू हैव यूटिलाइज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च So, ma'am, when you have utilized this asset for the scientific research, suppose your asset, your research succeeded. Suppose your research failed. ठीक है. Ma'am, even your research has succeeded. अगर आपकी research succeed हुई, तो might be you will use it for scientific business. आगे अपने business में use कर सकते हो, right? Ma'am, suppose. Even my research has succeeded. Meri research successful hui. It has succeeded. But. Kya but? Now I don't find ki this research wali asset is okay for using it for commercial purpose abhi. Uska life tha 2 years and hota hai na. This happens. Ki for maintaining the quality. You want ki nahi. I want to change the asset. Okay. We have utilized it for the purpose of research. I want to change it. Ho sakta hai. So, ma'am, you can utilize it for the purpose of business and you will find ki no, I don't want to utilize it now for this business. Why? Because it is not fitting for the purpose. Jis purpose ke liye chahiye tha, ab wo fit nahi ho rahi. We need an upgraded version. Kuch bhi ho sakta hai. So, that means, ma'am, you will not utilize for business. Kaun sa business? Scientific business. You are not utilizing it for scientific business. Nahin. तो मैम क्या सोच सकते हो लेट अस ट्रांसफर इट टू अनदर बिजनेस मेरा ही कोई दूसरा बिजनेस है सपोज आई हैव सम मशीनरी वो मशीनरी मेरे ही दूसरे बिजनेस में यूज हो सकती है इट कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर माय सेकंड बिजनेस आल्सो तो आई वांट टू शिफ्ट इट टू अदर बिजनेस बोलो इज दिस प्रोबेबिलिटी पॉसिबल बिकॉज वहां लिखा है यू आर सेलिंग द साइंटिफिक रिसर्च असेट विदाउट यूटिलाइजिंग इट फॉर बिजनेस And they have not specifically mentioned ki business, which business? Scientific wala ya any other your business? Ab ma'am, suppose if we want to utilize it for the scientific business, to koi baat hi nahi. Utilize karo, there is no question in that. But ma'am, if you do not want to utilize it for the scientific business, that means I want to sell it. Ma'am, sell karna chahte ho? Yes. Don't want to use it for any other business also. No, I don't want to use it for any other business. So, without using business. Business matlab zaruri nahi. It should be only your scientific business. Kal kyun ye sab explain nahi kiya? Specifically, I was sticked to scientific business. Kal ke liye wo okay nahi tha. So, now I can say, ki because I am focusing word to word now, so it has been written only business. Even if it is written only business, so ma'am, without using business, I want to sell. I don't find it is perfect for any other business and perfect for this scientific business also. So ma'am, sales price or deduction claimed earlier, whichever is lower. Whatever would be your sales price. Suppose ma'am, I will be selling this asset for 100 lakh. But ma'am, when I purchased this scientific asset, it was kitne ka? Suppose it was kitne ka? 80 lakh ka asset. तो 80 लाख के ऊपर तो यू वुड हैव क्लेम्ड 100% डिडक्शन डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर वी वांट बैक बिकॉज नाउ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च तो व्हाटएवर डिडक्शन यू हैव क्लेम्ड अर्लियर हमको अभी वापस चाहिए तो यहाँ पे व्हाट वाज योर डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर मैम 80 लाख वॉज माई डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर बट सेल्स प्राइस इज 100 हमें कितने पे टैक्स चाहिए अंडर पीजीबीपी बिकॉज अंडर पीजीबीपी वी हैव अलाउड 80 लाख 80 लाख ही तो अलाउ किया था अंडर द हेड पीजीबीपी बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च के लिए यू हैव परचेज द असेट तो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी कितना 80 लाख मैम डिफरेंस ऑफ 20 लाख कैपिटल गेन
अंडरस्टूड द रीजनिंग नाउ? समझ में आ गया व्हाई पीजीबीपी 80 लाख पे? बिकॉज अंडर हेड साइंटिफिक रिसर्च तुम्हारा बिजनेस था, इन दैट हेड वी हैव अलाउड यू डिडक्शन, इट वॉज अ डिडक्शन, वी वॉन्ट बैक, हमको ये वापस चाहिए, ठीक है. मैम सपोज, क्या सपोज करना है? Now we want to utilize it for any business, चाहे वो मेरा other business हो, और I want to utilize it for scientific business. तो देखो scientific business में तो no issues, कोई दिक्कत नहीं है. But if you want to use for other business also, तो देखो whether you add it for the scientific business or you add for other business, the actual cost will be nil. कहाँ पड़ा था ये actual cost will be nil? Explanation 43 subsection 1, actual cost of the asset में clearly it was mentioned. So whatever business you want to transfer, जिस business में transfer करना, you can transfer, but the actual cost will be nil because already 100% deduction one timer allow कर दिया. Depreciation is what? Deferred deduction you are getting. हमने तो एक साथ 100% deduction allow किया. In such a case, actual cost will be nil. So ma'am, if my actual cost is nil and suppose somewhere आगे जाके I want to sell this asset. So sales price minus actual cost is nil. Entire will be what? Section 50. Are you getting that? समझ में आया? So can I say, अच्छा ये particularly क्या है? This is particularly 41 subsection 3. मैम इसको deem क्यों माना? Why it is deemed to be a PGBP income? ये तो बोल सकते थे ना कि income है. समझो whenever a deduction, कोई तुम्हारा डिडक्शन वापस तुम्हारे लिए बेनिफिट देता है. ऑलरेडी वी हैव अलाउड इट एज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस इज नेवर एन इनकम. आर यू गेटिंग टू माय वर्ड्स? एक्सपेंस इज नेवर एन इनकम. तो हमको बोलना ही पड़ेगा ना डीम्ड टू बी एन इनकम. आर यू गेटिंग? सो व्हेनेवर यू फाइंड कि मैम डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर, डिडक्शन एक्सपेंस क्लेम्ड अर्लियर, नाउ टैक्सेबल, तो नोटिस एंटायर डीटी में, क्या बोल रही हूँ मैं वर्ड्स, Notice in entire DT, the word written is deemed. क्योंकि expense को they are deeming it as an income for you. वो expense था and expense is now considered as income. Is that clear? समझ में आया why deeming word is used? ठीक है? So this is why 41 subsection 3 में इसको include किया. Why is important? मगप नहीं. Why 41 subsection 3 में it has been included? Because expense का benefit you have got, तो it is deemed as an income. First of all, what is not scientific research वाला asset, we have to focus. Second, it is only on sales. So whatever business में you want to use it, whether it is again your scientific business or it is other business, cost will be nil. Because earlier 100% deduction allowed. And if you do not want to use for the purpose of business, तो हमने कुछ deduction दिया था. We have given you certain deduction. We want to compare it with your sales price. So what was PGBP mein deduction was given, that is my deemed income right now. Or whatever is the difference, that is my capital gain. Understood clearly 41 subsection 3. At least 3 star for this question might be asked on this. 3 star for 41 subsection 3. Or 41 subsection 3 mein kya likhoge? Read with section 35. Alag alag nahi padhna hota hai. Read with section number 35. And as well as on section number 35, what you will write? Page number and read with 41 subsection 3. Ye ek hi section mein pura. Now can I come to 35 AD, the most lengthiest. Done with the referencing? Done? Sure. Let us come to 3580, page number. 3580, page number 128. Now let us start with the comparison also. Hum comparison bhi karte jayenge. Let us start with 3580 also. Now first of all,
when you are saying 41 subsection 3 plus section number 35. 41 subsection 3 plus section number 35, it was specifically on scientific asset. Yes, it was for scientific business. So, isme when you want to sale, so some portion will go to PGBP and the other portion will be going for capital gain. Utna samajh mein aa gaya. Theek hai. But now, what is the focus? Mera focus ab ye nahi hai. My focus is specified business. Ma'am, it was specifically which business? Scientific research wala business. Now, this is my certain specified business. Ma'am, kitne total specified businesses hain? There are 14 businesses. Should I learn the name? Exactly, you should at least have an idea. Learning is not important here, but you should have an idea. These are the certain specified businesses. Yeh mere specified business hai, you should have the idea. Ma'am, suppose we have done 1 to 14. Suppose we have done what? 1 to 14, we have done the 1 to 14 name learn kar diye. We have learned the name. Ab kya? Naming is just an idea you should have. कहीं पे कोई नहीं पूछेगा टेल अस द 14 स्पेसिफाइड बिजनेस. नो, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द नेमिंग. बट मैम एक चीज और दी है, कमेंसमेंट डेट. शुड आई नो द कमेंसमेंट डेट? यू डोंट, यू शुड नॉट नो द डेट ऑफ कमेंसमेंट, बट एटलीस्ट ईयर. बिकॉज 2009 से, बिकॉज 2009 से दिस स्पेसिफाइड बिजनेस का thing has started. It has started from 2009 till 2017. Kuch cheeze 2017 ki hai, kuch cheeze 2014 ki hai. Some of the businesses are for 2009 and some are for 2010. Should we learn the year? Zarurat nahi hai, but at least an idea ki 2009, 10, you should know that. Ye 9, 10, pata hona chahiye ki is year mein business should have started. Before this, अगर मैम सपोज कोई बिजनेस 2009 से पहले स्टार्टेड, अ बिजनेस हैज स्टार्टेड बिफोर 2009, तो इफ यू आर अप्लाइंग स्पेसिफाइड बिजनेस का 35 एडी का सेक्शन, यू शुड नो इट इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस बट नॉट एलिजिबल फॉर 35 एडी बिकॉज दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन इट. बट मैम हाउ डज आईसीआई फ्रेम्स द क्वेश्चन? आईसीआई कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है इस पे? Point number one, either ICAI will give you the exact year ki that first branch of my hotel was opened in, let's say 2006. So, khatam hi ho gayi, but 2009 se to 35 AD started. Even hotel is a specified business, but 35 AD not applicable to first branch. And second branch opened in 2018. On or after likha hai. On or after likha hai. Yes. That is a specified business and eligible for 35 AD also. Are you getting that? So specifically kya mention karna hai? Sabse pehle mam, it is specified business. So I should have just an idea. They will not go year wise. Bas tumko starting pata hona chahiye 2009 and ending is 2017. Wo starting and end will give you an idea. Ya phir specifically ICAI kya karta hai? They themselves specify. कि फर्स्ट ब्रांच इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD. लो, क्लियर कट. फर्स्ट ब्रांच इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD. आर यू गेटिंग? तो आइदर दे विल गिव यू द ईयर और दे विल गिव यू दिस सेंटेंस. तो दोनों में तुमको एक चीज समझनी है कि मैम कल हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैन बी सेट ऑफ एंड कैन बी सेट ऑफ विद स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम. बट उसमें ये नहीं लिखा है, दिस हैज नॉट बीन मेंशनड ओवर देयर, कि व्हेन यू वांट टू डू द सेट ऑफ ऑफ स्पेसिफाइड लॉस विद द स्पेसिफाइड इनकम दैट बोथ द बिजनेस शुड बी एलिजिबल फॉर 35 AD. ऐसा नहीं लिखा है. इवन वन ऑफ माय बिजनेस इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD, देन ऑल्सो सेट ऑफ इज पॉसिबल. आर यू गेटिंग दैट? तो मैम स्पेसिफिकली ईयर एंड टू ब्रांचेस, year, two branches, two hotels is given for the purpose of this point in your question, that is set of carry forward. Usi ke liye dete hain. You should know when they have given two hotels,
That means understand one thing ki they are picking this point, set off and carry forward ka. And you find ki two hotels, one is in loss, one is income. So 100% wo question kis pe aaya hai, carry forward ke upar aaya. Understood? Aaya? Chalo. Then, to ma'am specifically, फिर से चलते हैं हम किसके ऊपर. टेल मी वन थिंग मैम, 35AD इज कंपल्सरी क्या? नो, सबसे पहले इट इज ऑप्शनल. मैम 35AD इज ऑप्शनल, ओके, बट इज 35AD कोई परसेंटेज है क्या? इतना परसेंट विल बी अलाउड इफ यू आर इन द स्पेसिफाइड बिजनेस? एग्जैक्टली कितना है? 100%. मैम इफ इट इज 100% डिडक्शन यू आर गिविंग, is it on capital expense or it is on revenue one? Capital expense. Not on revenue. Ma'am, in the capital expense also, three things have been excluded. Bolte jao. Land, goodwill, financial instrument. Land, goodwill, financial instrument has been excluded. ठीक है. तो मैम एक चीज बताओ क्या? चलो आ जाओ. Scientific asset. Can I say यहाँ पे भी लैंड इज नॉट अलाउड? स्पेसिफाइड बिजनेस ऑल्सो लैंड इज नॉट अलाउड. दोनों में लैंड इज नॉट अलाउड. मैम हियर गुडविल अलाउड है? मैम हियर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलाउड है? यू ओनली टेल मी. लिखा कुछ नहीं है गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट आर गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट योर साइंटिफिक एसेट? तो स्पेसिफिकली नॉट मेंशन. But you would also understand na ki goodwill is not my scientific asset. Financial instrument is not my scientific asset. Okay? So even not mentioned, you should understand ki it is reading in between line. Ki diya nahi hai, but understood hai ki goodwill and this is not your scientific asset. Theek hai? Aur aage badhte hain. मैम अभी आपने बोला कि कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दिस आर व्हाट एक्सक्लूडेड. यस, दिस आर एक्सक्लूडेड. अब क्या आएगा आगे वाला? थर्ड. मैम इसमें भी प्लांट एंड एक्सपेंस, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए क्या? से यस और नो? शुड इट बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी? न्यू होना चाहिए. यस, नॉट रिक्वायर्ड. यस मैम, एक्सेप्शन इज देयर. यस मैम, एक्सेप्शंस आर देयर. एक्सेप्शन. पहला एक्सेप्शन क्या है? 20% चलेगा. 20% इंपोर्ट चलेगा. इंपोर्ट ओल्ड मशीनरी भी चलेगा. मैम एक सेकंड, इधर आओ. साइंटिफिक में वाज इट न्यू प्लांट एंड मशीनरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए? ऐसा कुछ लिखा था कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज नीडेड, देन 20% हम एक्सक्लूड करेंगे, देन वो इंपोर्ट वाला, कुछ भी लिखा है क्या? नो मैम, ऐसा नहीं लिखा. तो कहना है से व्हेन आई डू 35AD इवन अ सेकंड एंड आई हैव परचेस्ड आई विल गेट अ डिडक्शन. इवन अ सेकंड हैंड हैज बीन परचेस्ड आई विल गेट अ डिडक्शन, और इंपोर्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी आई विल गेट अ डिडक्शन. अब जाओ आप इस 35 पे एक बार रीडिंग करो उसकी. यस मैम, वहां पे तो अदर कैपिटल लिखा हुआ है, सब इंक्लूड हो जाएगा. ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब मुझे एक चीज बताओ, मैं ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं करूंगी, बट दिस इज अ काइंड ऑफ लूपहोल आल्सो. अब है या नहीं वो भी तुम ही बताओ. आई विल नॉट टेल यू. मैम अगर सपोज करो कंपनी ए इज इन साइंटिफिक बिजनेस, सुनना कितना लॉजिकली दे हैव मेंटेन्ड एवरीथिंग. मैम यहाँ पे बिकॉज अब भी समझ में आ गया कि सेक्शन नंबर 35 इंक्लूड्स ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आल्सो, सेकंड एंड भी इंक्लूडेड है, तो बताओ व्हाई 41 सबसेक्शन 43 सबसेक्शन 1 द एक्सप्लेनेशन ओनली एप्लीकेबल टू साइंटिफिक? बिकॉज मैम सपोज इट इज कंपनी ए, फर्स्ट टाइम साइंटिफिक असेट इट हैज परचेज, 100% डिडक्शन अलाउड.
मैम अगेन इट इज कंपनी बी, इसने भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेज दिस असेट फ्रॉम कंपनी ए. मैम सेकेंड हैंड ऑल्सो अलाउड है सेक्शन नंबर 35 में, बट मैम कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पता है इसके लिए क्या हो जाएगी? नील. तो नील का 100% कितना हो? आर यू गेटिंग? नील का 100% कितना होगा? तो लूपहोल दिख भी रहा होगा ना, तो तुम्हें क्यों समझ में आ रहा है कि वाई 43(1) इज एप्लीकेबल ओनली टू साइंटिफिक? क्योंकि साइंटिफिक में सेकेंड हैंड इज इंक्लूडेड. Are you going into the depth now? Because scientific includes that second hand, or जब second hand scientific में included है मैम, ये तो double deduction की बात हो जाएगी. This will be the thing of double deduction. नहीं, 43 subsection 1 का explanation is preventing that double deduction because actual cost will become nil, और nil का 100% क्या दोगे? Nil. Got it? इसीलिए कल I have मैं चाहती थी कि you should learn only wordings. वो वर्डिंग से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स एंड दिस इज अ लॉजिक यू शुड बिल्ड बिकॉज व्हेन यू विल बी गोइंग प्रैक्टिकल फील्ड में तब ऐसे बुक खोल के यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. इसलिए ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ वर्ड्स. ये कुछ नहीं चल रहा है एंड नो वन कैन टीच यू दैट. मैं भी नहीं सिखा सकती. आई कैन ओनली एक्सप्लेन. और ये पॉसिबल कैसे होगा? सेल्फ रीडिंग से, लिसनिंग से नहीं. सेल्फ रीडिंग विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू. ठीक है, तो इसका मतलब मैम, इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 35 सेकंड एंड इंक्लूडेड, यस, बट 43 सबसेक्शन 1 विल कैंसिल दैट इफेक्ट ऑफ डबल डिडक्शन. अंडरस्टूड? खत्म हुआ ये भी? समझ में आया साइंटिफिक रिसर्च? फिर आते हैं तो मैम 35AD, फिर से अपन किस पे चले? 35AD पे. मैम मूविंग टू 35AD इट इज ऑप्शनल, यस, 100% विल बी अलाउड ओवर हियर. ठीक है, एंड मैम इसमें सिर्फ इम्पोर्ट अलाउ किया एंड 20% टोटल कॉस्ट का 20% सेकेंड हैंड इज अलाउ. 20% इज अलाउ. अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैम, इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड इज अलाउड. क्यों अलाउ कर दिया? अरे आउटसाइड इंडिया डेप्रिसिएशन का देर इज नो फंडा. रिमेम्बर अगेन 43 सबसेक्शन 1 को याद करो. मैम फिर से क्यों इंपोर्ट के लिए 43 सबसेक्शन 1? वाई याद मुझे आ नहीं रहा. 43 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन है समथिंग अबाउट दिस एनआर वाला. एग्जैक्टली, एक तो हो गया नॉन रेसिडेंट ब्रॉट इनटू इंडिया, एक वो हो गया, और कुछ है? एक और है मैम, एसेट एक्वायर्ड मैम, एसेट सेल ऑफ बिल्डिंग. That was only resident के लिए तो only building ही है. जाओ 43 subsection 1 के wordings पे. म्यूट करके रखो, when you are not speaking please mute. Building was not used for other purpose but into business. So ma'am specifically when it comes to scientific ke liye hai ma'am, non-resident, if a non-resident brought something in India, if a non-resident brought any asset in India, theek hai, to ma'am agar non-resident India mein koi bhi asset lata hai for business and profession, तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में चले जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ एक्सप्लेनेशन. आई एम टेलिंग यू कि मैम सपोज दिस इज नॉन रेसिडेंट का बिजनेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, देन योर 43 सबसेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल. तब वो एप्लीकेबल होगा मतलब मैम सपोज करो नॉन रेसिडेंट ब्रिंगिंग असेट इन इंडिया. ध्यान से सुनना एंड पॉइंट आउट द मिस्टेक. फिर से क्लियर बोल रही हो, ध्यान से सुनो एंड पॉइंट आउट द मिस्टेक. मैम इफ नॉन रेसिडेंट ब्रिंग्स इन इंडिया द असेट, 43 सबसेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल. मैम 43 सबसेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल. दिस इज इंपोर्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी, या फिर इंपोर्ट करा तुमने कोई भी सेकेंड हैंड मशीनरी इन इंडिया. टेल मी वन थिंग, मैं खुद बोल रही हूँ कि 43(1) इज एप्लीकेबल.
Is it actually so? Would you apply 43 subsection 1 over here? Apply करोगे क्या? नहीं मैम नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही nil हो जाएंगे तो क्यों करेंगे मैम? ना 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 nil वाला तो point ही नहीं. First of all, again you are not focusing on the word. ये explanation will not help you for the purpose of exam. But I am telling you the mistake. You are not focusing on word. मैम फिर से 43 subsection 1 अगर पढ़े ना तो क्या लिखा है? Asset bought into the India by non-resident for use in his business and profession. वो खरीद के नहीं ला रहा है. Already the asset he is having, he is bringing in India for the purpose of business and profession. But यहाँ पे in my 35 AD you are purchasing the asset. That is purchase of a second-hand asset. तो यहाँ पे दोनों का कोई लिंक नहीं बनता. 43 subsection 1 का लिंक कुछ भी नहीं बनता है because वहां बोला है कि you have an asset that you brought into the India. कोई asset है जो तुम इंडिया में लेके आ रहे हो and that is specifically non-resident. But मैम यहाँ पे import बोला है. The word uses import. That means we are purchasing the asset. दोनों का difference बहुत अलग है. Are you getting? Import is purchase, brought into India is just bringing into India and notional depreciation will be subtracted. But ma'am, when second hand machine is imported into India, notional depreciation ka question nahi aata hai. Understanding? So just a demo for you ki please focus on words. Kuch bhi provision lagana nahi. Chalo. So finally, ma'am, 35 AD is optional? Yes. 35 AD में 100% deduction, yes. 35 AD में capital expense पे 100% deduction, yes. 35 AD में goodwill, no. 35 AD में financial instrument, no. 35 AD में land, no. अब मैं बोलते हैं कि suppose asset I have purchased. सब लोग के video I should be, it should be on. अब इसके बाद मैं repeat नहीं करूंगी, I will remove. Now suppose we have done capital expenditure. And we have purchased asset purchase. Ma'am, just because we have purchased the asset, yahan pe ek lock-in period bola tha. What was the lock-in period? 8 years. Is it only 8 years? From the year of acquisition. From the year of acquisition. मैम सबसे पहले 8 years from the year of acquisition. तो मैम लॉक इन पीरियड इज माई 8 years. What if मैम ये बोलता क्या 8 years किस चीज के लिए कि if you have purchased the asset, utilize it for specified business. If you have purchased an asset, utilize it for specified business. तो ठीक है मैम, this is an asset. ठीक है मैम, आई एम ट्रांसफरिंग दिस एसेट. ठीक है, इन सेकेंड ईयर ओनली आई एम ट्रांसफरिंग दिस एसेट. दिस इज माय होटल बिजनेस. आई हैव सपोज एसी आई एम हैविंग इन माय होटल बिजनेस एंड आई एम ट्रांसफरिंग दिस एसेट. किस में? हॉस्पिटल में. मैम हॉस्पिटल इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बिजनेस. यस, hospital 100 bed is also a specified business. So, ek second ma'am, what you have said, aapne bola tha ki for the 8 years you have to use it for the specified business. Ye nahi likha hai same specified business. Iska matlab, if within 8 years I transfer this asset to another specified business, still it is okay. Why? Because specified to specified transfer is okay. Yahan pe ye word likh dena agar wo same specified business, so then would it be okay? नहीं, तभी okay नहीं होगा. Are you getting that? So ma'am, for the 8 years I have to utilize this asset for the specified business. That means if a specified business से दूसरे specified business में I'm transferring the asset, okay, कुछ नहीं होगा. Done. Ma'am, again within 8 years I'm transferring the asset. Again within 8 years I'm transferring the asset. Why? Because this is my business and now I have turned into sick company. Sick company means losses, accumulated losses are more than your assets or your income.
तो मैम बिकॉज आई हैव टर्न्ड इनटू अ सिक कंपनी, बीमार हो चुकी है कंपनी, लॉसेस में, तो नाउ इवन द कंपनी इज इन लॉसेस, एटलीस्ट व्हेन द कंपनी इज इन लॉसेस अलाउ देम टू ट्रांसफर देयर एसेट, ट्रांसफर करने दो. अब मैम कहाँ पे ट्रांसफर करने दे एसेट, वहां क्या लिखा है, इज इट सेइंग कि अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस में यू कैन ट्रांसफर, कि ट्रांसफर इज अलाउड, वेयर एवर यू वॉन्ट टू डू द ट्रांसफर इज अलाउड. तो इसका मतलब ये है, इफ द कंपनी, if the asset, you are not a sick company and you transfer to another specified business, okay, and when you are a sick company you can transfer it to any business, because already you are sick, you would need money, chahiye tumko paisa, to transfer kar lo. Ma'am, that too within 8 years? Yes, that too within 8 years. So pata hai kya, institute will focus on a sick company has transferred the asset to a non-specified business, aur hum bilkul feelings mein, within 8 years it has been transferred to a non-specified business, to hamare provisions laga rahe hain, specifically what has been mentioned, sick company can transfer within 8 years, so any business it could be, understood? Ab kahan likhoge, jao ab wapas section mein 3580 and write down, specified business means any ko transfer kar sakte ho. वहां पे लिखा नॉन स्पेसिफाइड, नीचे लिख दो, यस इट कुड बी एनी बिजनेस. वी ऑलरेडी बीमार है कंपनी, यू हैव टू अलाउ दैट. डन. तो मैम पॉइंट नंबर विच पॉइंट मैम जहां पर लिखना है एनी बिजनेस, 130 पेज नंबर नोट्स हैव बीन गिवन, द अबाव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ कंपनी बिकम्स सिक इंडस्ट्रियल कंपनी. तो वहां पे लिखा है ना टू नॉन स्पेसिफाइड टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, हाईलाइट कर लो और लिख दो, इन सच केस ट्रांसफर टू एनी बिजनेस पॉसिबल, इन सच केस ट्रांसफर टू एनी बिजनेस पॉसिबल. एनी का मतलब कोई भी बिजनेस चलेगा. मैम फर्स्ट पॉइंट में लिखना है ना बिकम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी में. यस यस मैम. मैम सुनो, अब पूरा ध्यान सब लोग इधर देना. मैम दिस इज माय एसेट, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला एसेट, विद इन 8 ईयर ट्रांसफर विद इन 8 ईयर, ठीक है. नाउ सिक कंपनी, अदर कंपनी, ठीक है, अदर कंपनी, स्पेसिफिकली कंपनी लिखा है बट यू वुड अंडरस्टैंड सिक है और एक सिक नहीं है, इसलिए मैम इफ इट इज सिक कंपनी, एंड ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड. मैम सिक इंडस्ट्री वेदर ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड बिजनेस, क्योंकि नॉर्मल कंपनी को भी दे हैव अलाउड विद इन 8 ईयर यू कैन ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड बिजनेस, कोई इशू है ही नहीं. तो मैम इवन व्हेन सिक कंपनी आल्सो ट्रांसफर, इवन व्हेन सिक कंपनी आल्सो ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड बिजनेस विद इन 8 ईयर, ओके, नो इशू. एंड वॉट इफ मैम विद इन 8 ईयर ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, ओके, no issue, only for sick company, ठीक है. then other company, what about other company, in case of other company transfer to specified business, non specified business, मैम स्पेसिफाइड बिजनेस, ओके, नो इश्यू, बिकॉज इट इज अलाउड स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड, बट मैम इट इज ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस विद इन 8 ईयर्स. अब क्या करेंगे, योर क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे वॉज पेंडिंग,
अब मैम इट इज नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो अब क्या करें? तो देखो मैम, बिकॉज यू आर गेटिंग 35 AD का डिडक्शन, कितना था मैम? 100% डिडक्शन. बट लॉक इन कितना था मैम? 8 years वॉज माई लॉक इन. पूरा ध्यान कर, कितने का लॉक इन था मैम? 8 years वॉज द लॉक इन. I got 100% deduction. 8 years was the lock-in, but I have transferred within 8 years. 8 years से पहले ही मैंने क्या कर दिया? Transfer किया that to non-specified business. तो वो क्या बोलेगा? The deduction claimed earlier I want back because you failed to comply the condition. क्योंकि तुमने condition comply नहीं की, तो I want the deduction claimed earlier back. तो मैम ये जो 100% का डिडक्शन है, दे विल वांट बैक. तो लिखो ना क्या लिखा है वहां पे, पेज नंबर 130 पे सेम थिंग हैज बीन रिटन. अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर वी वांट, बिकॉज़ यू हैव ट्रांसफर्ड विद इन 8 years. 8 years के अंदर तुमने ट्रांसफर कर दिया, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर. ओके, बट मैम वन थिंग, बिकॉज दे आर टेकिंग बैक माई डिडक्शन 100%, डोंट यू नो वन थिंग, वॉट इज मैंडेटरी? बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंडेटरी इज डेप्रिसिएशन. इफ यू वॉन्ट टू टेक माई 100% डिडक्शन बैक, ले लो, बट गिव मी दैट 100% के बदले में गिव मी डेप्रिसिएशन, बिकॉज मैंडेटरी इज डेप्रिसिएशन. So whenever you will do the reversal of, whenever you will do reversal of section number 35AD, compulsory take depreciation up to the date. Up to the date, you have to take depreciation. So iska matlab ma'am, we have taken back the deduction. Yes, you have taken back the deduction. Some depreciation has been allowed, yes. Ma'am, ye jo net hai, whatever the net amount is, under which head it would be taxable? We have allowed you under PGBP head. So, kis head mein taxable hoga? Ma'am, it will be again taxable under the head PGBP. It will again be taxable under the head what? PGBP. Understood? Ma'am, PGBP head mein what you are saying? Fir se bolna. PGBP head mein taxable. And ma'am, jis cheez pe we give the tax, उस पे आगे चल के वी शुड क्लेम डेप्रिसिएशन. नाउ टिल नाउ का डेप्रिसिएशन वी हैव टेकन, अभी सुनते जाओ, लिखो मत मैम. टिल नाउ फ्रॉम द डेट व्हेन वी हैव ट्रांसफर्ड वी हैव टेकन डेप्रिसिएशन, तो क्या फ्यूचर में वी यू विल नॉट अलाउ अस द डेप्रिसिएशन? बोलो, फ्यूचर में भी तो डेप्रिसिएशन यू विल गेट. तो मैम फ्यूचर के डेप्रिसिएशन के लिए व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट? तो मैम एक्चुअल कॉस्ट विल बी व्हाट एवर वॉज योर कॉस्ट ऑफ असेट. वही तो तुमको क्या मिला था एज अ डिडक्शन, 100% deduction was cost of asset. और अभी जो तुमने depreciation already यहाँ पे claim कर दिया, that net, that will become your actual cost for further depreciation. Are you getting that logic now? Sushmit, this was your question yesterday. कि दोनों में अलग अलग क्यों लिखा है? Understood? आया? Done? So this is the reason. तो मैम, can I say? Non-specified business में I have transferred in 8 years. First of all, हमको वापस चाहिए. क्या चाहिए? Earlier claim deduction वापस चाहिए. And we want mandatory depreciation done. Net is taxable. But what net is taxable? वही तो मेरा actual cost बनने वाला है. जिस पे तुम tax pay कर रहे हो, the amount on which you are paying the taxes, that is going to be my actual cost for the further depreciation. बस वही लिखा है. Now you can read that. तो तुम्हें logic आया हो? I have made clear कि why एक जगह actual cost लिखा है and why दूसरी जगह लिखा है deduction claim कर दिए. Otherwise the amount is going to be same. Read that. ठीक है. अब आते हैं मैम किस पे. तो ये तो बात हो गई मैम, because we have transferred within 8 years वाला फंडा हो गया. Now come to that chart. Last page पे they have given a chart ना, अब उसको analyze कर लेते हैं. हम क्या देखे रखा है? They have given कि a set of specified business 35 AD specified business का asset. हम you transfer that asset. आप क्या कर रहे हो? Asset को transfer कर रहे हो other
स्पेसिफाइड बिजनेस में. अरे ये तो हम थक गए बोल बोल के. इफ एंड स्पेसिफाइड टू दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में असेट इज ट्रांसफर्ड दैट इज ओके चलेगा बिकॉज इट शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. बट मैम टू अनस्पेसिफाइड बिजनेस दैट मीन्स नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस. तो अभी तो चेक किया नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में that depreciation that deduction claimed earlier minus depreciation wohi cheez to thi because you have transferred to non specified business ma'am. What about after 8 years you transfer? Are bhai after 8 years if you transfer this section not apply because lock in period is only for 8 years. After year you can transfer. Tumko transfer karna hai after 8 year you can transfer the asset. But remember one thing, actual cost will be nil. Why nil? Are already 100% deduction you have claimed. Tumne already kya kiya hai? 100% deduction claim kar liya hai. That is why actual cost will be nil. So ma'am, iske liye pata hai kya hai? Wait. Yes. Come to page number 117 again 43 subsection 1 ka explanation with respect to cost. Yaad karo humne last wala 13th wala skip kiya tha. Remember we have skipped the last. Nahi, I will tell you with the scientific that specified business. Kya ye wahi nahi likha hai? Where the 100% deduction was allowed earlier and after 8 years you are transferring that asset. Actual cost is going to be nil. Are you getting? So yahan pe likh lo refer with 35 AD. Refer with 35 AD. Done? Ab ek aur important point. Ma'am, ab kya ek aur important point? Come to point number 7, 129 पे come to point number 7. 129 page number, come to point number 7, same, that is 35 AD. Ma'am, suppose after 8 years, after 8 years you will sell, then actual cost will be nil. Yes, actual cost is going to be nil. This is with respect to transfer. ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर चल रही है. सपोज मैम आफ्टर 8 ईयर यू सेल द असेट, ट्रांसफर नहीं कर रहे, यू आर सेलिंग द असेट. तो मैम इफ यू आर सेलिंग द असेट, सपोज मैम सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो कैन आई से द डिफरेंस इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन. मैम बिकॉज सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो कैन आई से कि this difference will be chargeable to tax under capital gain? Nahi. Why? Come to point number 7, specifically in mention kiya hai. If asset on which 35 AD ka deduction is allowed and that asset is sold, the entire sales price is chargeable to tax under the head PGB. Specifically mentioned ki if it is the case that 35 AD ka deduction you have taken, 35 AD ka deduction ke liye compulsory to charge under the head PGBP even if your sales price is greater than the cost. Now remember 28 section mein bhi last clause missing hai apni book mein, wo ye last clause yahi hai that if 35 AD ka deduction you have claimed to sales price is more than the actual cost then also PGBP mein taxable not under the head capital gain. Understood? To ye pointers kidhar 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 hai, कहां कहां पे पढ़ा? 28 डन, 43 सबसेक्शन 1, देन ये 35, फिर इसका कंपैरिजन विद द साइंटिफिक रिसर्च वाज समवेयर नीडेड बिकॉज पता नहीं क्यों स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, ही वाज स्पेसिफाइड ये साइंटिफिक है. तो ऑक्सीजन आई होप तुम लोग को पर्टिकुलर आ गई होगी सुष्मित, जितनी चाहिए बॉडी को, ठीक है. तो बट दैट दिस इज वॉट इज योर 35 AD. आई विल गिव यू द नोट्स फॉर दिस particularly जो एक साथ लिखा हुआ, ठीक है. तो आई विल बी गिविंग यू द नोट्स फॉर स्पेसिफिकली 35 AD, वही तुमको करना है बिकॉज दिस इज सो मच क्लस्टर्ड, ठीक है. चलो तो दिस कंप्लीट्स ऑल द एलिमेंट्री प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू माय
35 my PGBP. Finally, can I say Jai Ram ji ki to the PGBP? Ma'am, presumptive taxation, ruko. Presumptive taxation we will do, ICDS we will do, but PGBP is done. Chalo, timer dene ka time aa gaya. सारे प्रोविजन यू वुड बी हैविंग कि हाँ लर्न तो हुए होंगे कुछ तो हुआ होगा 50% लर्निंग डन 50% तो तुम्हारा एफर्ट तो लेट अस गिव द एग्जाम बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम पीजीबीपी के क्वेश्चंस यू हैव टू स्टार्ट किसने चेक कर लिया कि विद 3 आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं डीटी के पेपर के बोलो बोलो टेल डीटी का कोई पेपर उठाया Have you even opened the paper of DT and counted the number of questions? कितने हैं? Yes, ma'am. 5 questions, ma'am. Descriptive, approx 15. Approx 15. Approx word आ गया. That means you have counted. Are you getting? इसीलिए तो बोलते हैं word पे focus करो. निकालो November 22 का अभी paper. And count that number of questions. So, aaj time calculation ke hisab se, we will start with the preparation under exam condition. Chirag, quickly. Chirag, kyun hum kisi aur ke bharose reh jate hain? Ki bhai kar raha hai. Bhai exam deke to nahi aayega. Baki to tumhari behan hi hai na? देखो लक्ष्मी इज मैरिड तो शी इज योर सिस्टर करो काउंट मैम नो पेपर उनका पेपर नहीं अभी तक May 22 निकालना पेपर्स आर सेम जस्ट काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के हाउ मेनी यू हैव टू सॉल्व इन 2.5 hours 30 minutes निकाल देना एमसीक्यू के कितना है क्वेश्चन नंबर वन तो मैम एक लौता क्वेश्चन नंबर वन ही होता है सब में एक टू पार्ट ईच होते हैं मैम और फिर पीछे वाले के अंदर ज्यादा होते हैं मैम Can I say minimum you have to solve minimum 12 question. सब कुछ खत्म करके minimum 12 question I have to solve 2 hours and 30 minutes. तो मैम 1 घंटे में कितने solve करेंगे लगाओ unitary method. जब मैम 2.5 घंटे में हम 12 question solve करते हैं तो 1 घंटे में कितने question solve करेंगे? निकालो कैलसी देखा सच में कर रहे कैलसिप पे कैलकुलेट करो 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 मैं अप्रोक्स 2.5 क्वेश्चन अप्रोक्स 2.5 क्वेश्चन मैं हाफ एन आवर को बोल रहा हूँ मैम आप 1 आवर को बोल रहे हैं क्या हाँ मैं 1 आवर को बोल रही हूँ 60 मिनट्स या 5 क्वेश्चंस मैम अप्रोक्स 5 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बिकॉज़ वी हैव टेकन ओनली 12 But you should also know these are more than that. But for the time being, I'm giving you 5 questions. Abhi ke liye, 5 questions for your homework. 1 hour ka timer you have to anyhow put. Because abhi humne na PGBP ko bahut detail mein leke gaye. Therefore, it was 7 to 8 days se bhi upar. Theek hai. So I want ki 5 to 6 questions at home, same condition. Do not check the answer in any case समझते हो ना कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो रही हो हम आंसर चेक नहीं करेंगे हम तो बैठे हैं Are you getting? तो do not check the answer 1 hour का टाइमर घर पे 1 hour का टाइमर here I am giving you and I am giving you the question solve करो कल I will discuss everything ठीक है but
अभी लाइव एग्जाम के रूप में इसको लेना कि अभी के अभी वी हैव लर्न द प्रोविजन, लेट अस सी द एप्लीकेशन का लेवल भी है. ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम ओपनिंग द बुक. टेक योर पेपर पेंसिल कैलकुलेटर योर बेस्ट फ्रेंड, जिसके बिना तुम छोटे छोटे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते जीवन में. What is this brain teaser? Brain teasers are the question compulsory mandatory written practice is needed. चाहे जो हो जाए इसकी written practice at the time of exam is also needed. ठीक है? तो brain teaser जहाँ भी तुमको दिख जाए, brain teasers are those questions that I have categorized कि exam time पे written practice you have to do. ठीक है? तो now question number 43. Question 44. Question number 46. Forty-eight. One of my favorite question is 48. ठीक है. Now you have to do all this in a timer of 1 hour. और ऐसा imagination क्या करो? It is already 4 o'clock. Are you getting the depth of 4 o'clock? मेरे से ज़्यादा तुमको समझ में आएगी. Why I am saying 4 o'clock? Exact at 5 o'clock. तुम कुछ नहीं लिख पाओगे तो. मैम प्रेजेंटेशन एज पर एग्जाम, यस. जैसा एग्जाम में प्रेजेंटेशन करोगे दिस टाइम यू हैव टू प्रेजेंट लाइक दिस, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक योर कॉपी तुम्हारे सबके सामने. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आई विल बी चेकिंग योर कॉपी. तो मैंडेटरी एग्जाम प्रेजेंटेशन नीडेड एंड योर स्पीड शुड बी 5 क्वेश्चन इन 1 आवर. इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी. तो लेट अस चेक मैम, रिविजन वीडियो सुन लिया हमने, अब लेट अस चेक आवर एप्लीकेशन लर्निंग. ठीक है, ये वही हो रहा है ना, सुन सुना के तो सब हो गया, अब देखते हैं एप्लीकेशन करके. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम गिविंग द टाइमर, यू कैन स्टार्ट.
All the best for your exams. Thank you, ma'am. One hour left. Be honest, don't check your answer in any case. Ek bhi question nahi aaya chalega, but answer check mat karo.
Have I given 45 question? Please someone rectify. No. Can you tell me the question numbers, please? 1 minute ke liye bas. 45 not given, ma'am. 43, 44, 46, 47, and 48. 43, 44, 46, 47, 48. Yes. Pardon?
keep checking the timer. You have to complete 5. Go in speed as well as sahi bhi karna.
last 30 minutes.
last 15 minutes.
last 3 minutes. Writing एकदम से स्टॉप कर दो चिराग स्टॉप इट कैसा लग रहा है तुम्हारे हाथों को हाउ योर हैंड्स आर फीलिंग सैटिस्फैक्शन सॉल्व्ड ऑल द फाइव कैसी बातें कर रहे हो Tell me, have you solved all the five? No, three ma'am, at least. Fifth one pending, ma'am. Just started only. Which one is pending? Last one, 48. That means four you have done. Yes. Okay. And what about the students who have recently joined from the PGBP? Have you attempted four at least? Which one? I'm three. 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 Sushmit, Akshay. Three, ma'am. Three. Can I say on an average three? Or calculation to tumne hi lagaya tha mere saath baith ke. What was the calculation out of 15 we done 12 mein se? Abhi bhi humne tab minimum kara tha na? Ki out of 15, instead of 15, we have done 12 questions we have to do. और उन 12 में से भी यू आर सपोज टू डू द 5 दैट मैक्सिमम कितना जा रहा ऑन एन एवरेज इट इज गोइंग 3 पेपर छूटेगा ना 100% छूटेगा एंड व्हाट अबाउट द रीडिंग स्किल्स
एक बार में पढ़ते से आ गया प्रोविजंस, यू हैव सेम प्रोविजंस थे कि नहीं, कि कोई नया इन्वेंशन हुआ प्रोविजन में, एनीथिंग न्यू डिस्कवर्ड? नहीं सब पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ है. ओहो हो, दिस इज अ प्रॉब्लम. हमने सब पढ़ लिया फिर भी नहीं आ रहा. टेल मी ऑनेस्टली, आर यू रियलाइजिंग द बेनिफिट बिना देखे करने का? ऐसा नहीं लगा एग्जाम में ही बैठे हुए हैं? नहीं ऑब्वियसली वैसा एकदम फीलिंग नहीं आएगा, बट वॉज इट लाइक दैट कि बिना देखे कर रहे तो कुछ लगा कि कुछ भी नहीं लगा तुमको? Yes, ma'am. In that 33AB also, even though we know the provision, but not able to apply how to present it. अच्छा 33AB में have you noticed the 40% 60% rule भी था that we have discussed in the class? Yes, ma'am. Oh, ये तो मैं class में discuss कर लिया, revision lecture सुन लिया, classes सुन ली, करना क्या होता है? 3 घंटे में exam में लिख के तो आना होता है. नहीं शायद वो गलत हो गया ऐसे लग रहा है. Oh. ये इतनी टॉन्टिंग क्यों हो रही है तुमको पता है? Why I'm giving you so much of taunt? मैं क्यों दे रहे हो इतनी सार्कास्टिक वे में क्यों बोल रहे हो? एग्जाम अभी तक करा होगा कभी तो, ये रिविजन लेक्चर देखे 1.5 की स्पीड पे हो गया मैम 1.5 घंटे में हमारा, तो ये भी हो गया वो भी हो गया. एंड यस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम. अब कल जब आफ्टर डिस्कशन ऑफ द questions, when I will check your copy in front of you, तब पता करना कि ICAI गलत है कि तुम गलत हो. Don't check your answers. अभी recently I have posted on the group कि what is the next slot for you in the homework. कब बैठोगे उस slot को solve करने? Those who don't have job, जिनकी job नहीं है, specifically to them, you will sit at 2:00. Are you getting the benefit? And the reason for 2:00, sit at 2:00 and जितना भी मैंने टाइमर दिया है उतना टाइमर लगा के उसी टाइम पे यू हैव टू सिट. एंड अगेन इट वुड बी एग्जाम एज इट इज कि वही देखना नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर आ गया है, वी हैव टू सॉल्व. एंड टुमारो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन ऑफ PGBP और देख लेना सारे क्वेश्चन डिस्कस भी हो जाएंगे. यू नो वाई? बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड योर माइंड ऑन दैट क्वेश्चन, तो तुमको कैच करने में ईजी होगा. ठीक है, फिर कल आई विल चेक योर कॉपी एंड लेट मी टेल यू टुमारो इज अगेन एन आई ओपनिंग सेशन फॉर यू कि जब तुम 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके बोलते हो ना 33-36 क्यों है, यू विल फाइंड इट टुमारो कि व्हाई इट इज 33-36. सो डोंट मिस द क्लास, एटलीस्ट टुमारो डोंट मिस द क्लास बिकॉज वी विल बी चेकिंग द कॉपी. एंड ये तुम्हारा टेस्ट नहीं था. You should know this. This is not the scheduled test that I have given. This is just a practice session. This is a practice session. And every chapter will be like this only. ठीक है? चलो. मैम fifth question में stuck हो गया था मैम. समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है. Fifth question क्या? कौन से topic से related था? मतलब कौन सा provision था?